गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम EL 207 इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर सब्जेक्ट माइक्रोप्रोसेसर का थर्ड चैप्टर 8085 आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, और पिछली क्लास में हमने 8085 के पिन डायग्राम और उसके सिग्नल्स के बारे में बात प्रारंभ की थी। इसमें हमने अब तक जो हमारे जो क्लासिफिकेशन था छह प्रकार का, उस क्लासिफिकेशन के अंदर हमने एड्रेस बस और डेटा बस, जो कि हमारी मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस थी, उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना जो सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन है वो है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल जो हमारे हैं वो अपने देखे थे कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर हमारे दो कंट्रोल सिग्नल होते हैं, RD का बार एंड राइट का बार। बार मतलब ये कौन सा सिग्नल हो गया हमारे, एक्टिव लो, मतलब यहाँ पे ज़ीरो होंगे तो ये एक्टिव होंगे। 3 हमारे स्टेटस सिग्नल्स हैं, IO/M-bar, S1 एंड S0। तो कंट्रोल सिग्नल्स तो हमारे हो गए RD एंड का बार एंड WR का बार, और स्टेटस हमारे हो गए IO/M-bar, S1 एंड S0। टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द ऑपरेशन एंड वन स्पेशल सिग्नल जो हमारा होता है वो होता है ALE, एड्रेस लैच इनेबल, टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन। तो ये कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल तो हमारे जो भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके नेचर को डिफाइन करते हैं, और उसके अतिरिक्त जो हमारे ये जो हैं ALE जो हमारा है वो किसी भी ऑपरेशन की स्टार्टिंग या बिगनिंग को दर्शाता है। अब ये कैसे कार्य करते हैं, इनको हम वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो हमारा है इसके अंदर आता है वो है एड्रेस लैच एनेबल, यानी कि ALE। This is a positive going pulse generated every time the 8085 begins an operation or machine cycle. जब भी कोई मशीन साइकिल ऑपरेशन प्रारंभ होगा तो यह एक पॉजिटिव गोइंग पल्स जो है हमारा जनरेट करता है। बिगनिंग ऑफ एनी ऑपरेशन और मशीन साइकिल, यह सदैव क्या करेगा, एक पॉजिटिव गोइंग पल्स जनरेट करेगा। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यह एक एक्टिव हाई पल्स है, तो ये उसको जनरेट करता है। और ये इंडिकेट क्या करता है, इट इंडिकेट दैट द बिट्स ऑन AD7 टू AD0 आर एड्रेस बिट्स। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारी मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस हैं AD7 से AD0, किसी भी ऑपरेशन की स्टार्टिंग में उस पर सदैव एड्रेस होता है और अंत में उस पर डेटा रहता है। तो कैसे पता पड़ेगा कि इस पर एड्रेस है, वह पता पड़ेगा एड्रेस लैच इनेबल ANE पिन की सहायता से। जैसे ही ये स्टार्टिंग में मशीन साइकिल में पॉजिटिव देगा, उससे अभिप्राय है कि इसके ऊपर अब एड्रेस बिट्स हैं, यह इस चीज़ को इंडिकेट करता है। दिस सिग्नल इज यूज्ड प्राइमरीली टू लैच द लो ऑर्डर एड्रेस फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स्ड बस, कि हमारी जो लो ऑर्डर एड्रेस बस है उसको मल्टीप्लेक्स बस से लैच करने के लिए काम में लिया जाता है। एंड जनरेट अ सेपरेट सेट ऑफ एड्रेस लाइन्स A0 से A7। ये लैचिंग क्या होती है, इसको हम आगे जब डीमल्टीप्लेक्सेस और बस लोअर ऑर्डर बसेस पढ़ेंगे वहाँ डिटेल से समझ लेंगे। अभी आप इतना ही ध्यान में रखिएगा कि यह इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि जब ये हाई होगा उस टाइम पे इनिशियल ड्यूरेशन में, तो उस पर जो है आपकी जो लाइन्स हैं आपकी मल्टीप्लेक्स उसके ऊपर एड्रेस है, फिर यह लो हो जाता है, उस पर फिर आपका डेटा हम सेंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारा ये ALE काम करता है। उसके बाद हमारी जो पिन आती है वह आती है RD का बार या फिर रीड ऑपरेशन, और ये क्या है, दिस इज़ अ रीड कंट्रोल सिग्नल, और ये होता है हमारा एक्टिव लो। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस भी सिग्नल पे बार है वह एक्टिव लो है। इसका अभिप्राय, इसको आप जब ज़ीरो देंगे इंटरनली तब यह इसके अंदर इनेबल होगा, और ये रीड कंट्रोल सिग्नल को इंडिकेट करता है कि अब जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी वह रीड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द
सेलेक्टेड आईओ और मेमोरी डिवाइस इज टू बी रीड एंड डेटा आर अवेलेबल ऑन द डेटा बस, कि जब इसको आपने एक्टिव कर दिया तो यह दर्शाएगा कि आप जिस भी पर्टिकुलर चीज़ से, चाहे आप किसी इनपुट आउटपुट से रीड कर रहे हैं या किसी मेमोरी से रीड कर रहे हैं, उसके लिए यह मशीन जो इस टाइम है सेलेक्ट करके रेडी है और रीड करने के लिए, और जो डेटा हमारा जो रीड होना है वह डेटा बस के ऊपर अवेलेबल हो गया है, यह चीज़ को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारी जो पिन है दैट इज़ राइट डब्ल्यू आर का बार, यह भी हमारा राइट कंट्रोल सिग्नल है और एक्टिव लो है, और यह सिग्नल इंडिकेट करता है कि डेटा ऑन द बस आर टू बी रिटर्न ऑन टू द सेलेक्टेड मेमोरी और आईओ लोकेशन, कि जो डेटा इस समय हमारा बस के ऊपर उपलब्ध है, डेटा बस के ऊपर, वह किसी आईओ डिवाइस या किसी मेमोरी लोकेशन पर राइट होने के लिए तैयार है। तो एट ए टाइम या तो आप रीड करेंगे या आप राइट करेंगे, तो उसके लिए जो भी आवश्यक कंट्रोल सिग्नल होगा उसको आप लो सिग्नल देके एक्टिव कर देंगे, और दूसरा वाला हमारा डिसेबल रह जाएगा। एक्टिव मतलब उसको इनेबल करना, और दूसरे वाले को आप डिसेबल कर देंगे। देन हमारा आता है आईओ ऑप्लिक एम बार, जो कि हमारा स्टेटस सिग्नल होता है। आईओ ऑब्लिक मतलब या तो इनपुट आउटपुट, आईओ स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट, या फिर एम फॉर मेमोरी। तो ये स्टेटस दिखाता है कि हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वह इनपुट आउटपुट के साथ में हो रहा है या मेमोरी के साथ में हो रहा है। तो देखिए यहाँ आईओ के ऊपर बार नहीं है, एम पर है। इससे क्या अभिप्राय है कि यदि इसके ऊपर आप 1 दे देंगे तो इसका मतलब हमारा ये जो दर्शाएगा कि आप इनपुट आउटपुट से कार्य कर रहे हैं, और यदि इस पर आप 0 देंगे तो यह दर्शाएगा कि आप मेमोरी के साथ में जो भी ऑपरेशन रीड या राइट का कर रहे हैं वह मेमोरी के साथ हो रहा है। तो दिस इज अ स्टेटस सिग्नल यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन आईओ एंड मेमोरी ऑपरेशंस, कि जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो इनपुट आउटपुट के साथ हो रहे हैं या मेमोरी के साथ में हो रहे हैं, उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, विभक्त करने के लिए यह सिग्नल काम में लिया जाता है। व्हेन इट इज़ हाई इट इंडिकेट्स एन आईओ ऑपरेशन, कि जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो यह दर्शाएगा कि जो ऑपरेशन हो रहा है वह इनपुट आउटपुट ऑपरेशन संबंधित है। एंड व्हेन इट इज़ लो इट इंडिकेट्स ए मेमोरी ऑपरेशन, कि जब यह लो होगा, 0 होगा, तो यह दर्शाएगा कि यह एक मेमोरी से संबंधित ऑपरेशन हो रहा है। दिस सिग्नल इज कम्बाइंड विथ रीड एंड राइट टू जनरेट आईओ एंड मेमोरी कंट्रोल सिग्नल्स, कि ये जो सिग्नल है आईओ ऑब्लिक एम बार, यह रीड और राइट के साथ मिलकर और कंबाइंड ऑपरेशन दर्शाता है कि जो हमारा रीड या राइट का ऑपरेशन आईओ के साथ हो रहा है या मेमोरी के साथ हो रहा है। सपोज आईओ के साथ रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, या मेमोरी के साथ में रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, इस चीज़ को इस सिग्नल, इस स्टेटस सिग्नल के साथ में कंट्रोल किया जाता है। मेमोरी कंट्रोल सिग्नल या आईओ कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं। उसके बाद हमारे दो स्टेटस सिग्नल आते हैं S1 एंड S0, ये भी स्टेटस सिग्नल्स हैं हमारे। सिमिलर टू आईओ ऑब्लिक एम बार कैन आइडेंटिफाई वेरियस ऑपरेशंस, ये भी इसी की भांति कई प्रकार के ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, बट दे आर रेयरली यूज्ड इन स्मॉल सिस्टम्स। स्मॉल सिस्टम्स में इनका प्रयोग बहुत कम होता है। ऑल द ऑपरेशंस एंड देयर एसोसिएटेड स्टेटस आर वन डिस्कस्ड इन अ टेबल, जो आगे हम टेबल देखेंगे उसमें इनका जो रिलेशनशिप है उसको अपन डिस्कस करेंगे कि ये किस प्रकार से किसी ऑपरेशन को दर्शाते हैं। नाउ ये एक टेबल है, इस टेबल से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से किसी भी कार्य को करते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं इस तरफ आगे आपके यहाँ लिखे हुए हैं मशीन साइकिल, मशीन साइकिल मतलब आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। देन ये स्टेटस सिग्नल्स हैं आईओ ऑब्लिक एम बार, S1 एंड S0 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, और यहाँ आपके कंट्रोल सिग्नल्स की वैल्यू लिखी हुई है कि कंट्रोल सिग्नल का उस टाइम पर क्या स्थिति होगी। तो यहाँ मुख्य रूप से जो हमारी इंपॉर्टेंट जो मशीन साइकिल्स होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनको यहाँ दिखाया गया है एग्जांपल के तौर पे, इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहली मशीन साइकिल हमारी ऑपकोड फैच है, देन मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। देन जो पहला काम तो हमें पता है, आप कोई भी ऑपरेशन कोड होगा उसको फैच करेंगे, देन फिर मेमोरी को रीड करेंगे या मेमोरी पर राइट करेंगे, देन या फिर आईओ को रीड करेंगे या आईओ को राइट करेंगे, देन या फिर आप इंटरप्ट कोई आएगा उसको एक्नॉलेज करेंगे, या फिर हॉल्ट होल्ड एंड रीसेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मशीन साइकिल्स हैं
इनको आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है हमेशा वो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आपका एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। तो वहाँ पे आपको जो हमने थ्योरी अभी डिस्कस की वो बतानी पड़ेगी, उसके उपरांत आपको ये टेबल अवश्य बनानी पड़ेगी, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यह किस तरह से कार्य परफॉर्म करता है। तो पहले हम देखते हैं ऑपकोड फैच ऑपरेशन। जब ऑपकोड फैच ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस समय आईओ ऑब्लिक एम बार की जो स्थिति है वह ज़ीरो है। ज़ीरो सिग्नल देने पर हमें ये पता है कि आईओ ऑब्लिक एम बार यह दर्शाता है स्टेटस कि हमारा जो कार्य हो रहा है वह मेमोरी के साथ में हो रहा है। इस चीज़ को यह दर्शाता है क्यों, क्योंकि ऑपकोड जो भी आपका होगा वह हम मेमोरी में सेव करके रखते हैं, इसलिए यह मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन होगा, अतः इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, ज़ीरो करते हैं। देन स्टेटस सिग्नल जो हमारे S1 S0 हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 और 1, दोनों की वैल्यू हमारी 1 1 होती है। और जो कंट्रोल सिग्नल यहाँ काम आएगा, चूँकि हम वहाँ से फैच कर रहे हैं डेटा लेके आएंगे वहाँ से, तो रीड ऑपरेशन होगा, हम रीड कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन को, तो उस स्थिति में हम RD बार जो हमारा है उसको हम एक्टिव लो करेंगे, ज़ीरो सिग्नल प्रदान करेंगे, तो वहाँ ज़ीरो स्थिति रहेगी। उसके उपरांत हमारे जो दो मशीन साइकिल्स हैं वह हैं मेमोरी रीड या मेमोरी राइट। अब चूंकि आप देख सकते हैं ये दोनों ही ऑपरेशंस हमारे मेमोरी के साथ परफॉर्म हो रहे हैं, इसका अभिप्राय है कि हमारा आईओ ऑब्लिक एम बार जो होगा वह जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि संबंध हमारा मेमोरी से आ रहा है। उसके बाद हमारे जो S1 S0 की वैल्यू है वह रीड के दौरान तो रहती है, S1 1 रहता है और S0 0 रहता है, और राइट के दौरान S1 0 और S0 1 रहता है, मतलब 10 एंड 01। ये स्थिति आप याद रखिएगा, ड्यूरिंग रीड 10 और ड्यूरिंग राइट 01। और चूंकि रीड कर रहे हैं उस वक्त RD का बार हमारा 0 रहेगा, और जब राइट करेंगे तो WR का बार एक्टिव लो रहेगा। राइट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इसको दर्शाएंगे। उसके उपरांत हमारे जो ऑपरेशन दो मशीन साइकिल्स हैं वो हैं आईओ के साथ में रीड एंड राइट। अब चूंकि ये इनपुट आउटपुट के साथ में हो रहा है, इसके लिए हमारा जो वैल्यू रहेगी आईओ ऑब्लिक एम बार की वह 1 रहेगी हमें, क्योंकि आईओ वाले पॉइंट को एक्टिवली स्टेटस दिखाना होगा। और उसके अलावा फिर रीड एंड राइट के लिए सेम S1 S0 की वैल्यू वही रहेगी, जैसे रीड के लिए यहाँ पे 10 था तो यहाँ भी 10 रहेगा, और राइट के लिए 01 था तो यहाँ भी 01 रहेगा, S1 S0 की वैल्यूज अकॉर्डिंग रहेगी। और रीड के लिए RD का बार एक्टिव लो करेंगे, और राइट के लिए WR का बार जो है उसको हम एक्टिव लो 0 से करेंगे। ये इस प्रकार से हमारे कुछ होते हैं। उसके अलावा हमारा एक पिन आती है या ऑपरेशन आता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट का। जब हम इंटरप्ट को एक्नॉलेज करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, इंटरप्ट हमेशा बाहर से आता है, इनपुट आउटपुट से हमारे पास में इंटरप्ट आएगा, तो उसको एक्नॉलेजमेंट भी हम क्या देंगे, एक्सटर्नली इनपुट आउटपुट पे देंगे। तो इसके लिए हमारा आईओ ऑब्लिक एम बार के अंदर 1 रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट हम इनपुट आउटपुट पोर्ट पे देंगे, तो 1 रह गया। और उसके बाद हमारी जो वैल्यू रहती है S1 S0 की वह 1 1 रहती है, जैसा कि हमने ऑपकोड फैच में 1 1 थी, उसी तरीके से इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के अंदर भी इसकी वैल्यू हमारी 1 1 रहेगी। और कंट्रोल सिग्नल की जो वैल्यू होती है इस केस के अंदर, हमारा कंट्रोल सिग्नल जो काम आएगा वह आएगा INTA का बार, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जो पिन होती है उसको हम एक्टिवली लो करेंगे, एक्टिव कर देंगे लो सिग्नल देके, क्योंकि इस पे बार है, तो उससे ये इंडिकेट हो जाएगा कि अभी जो प्रक्रिया हो रही है वो, अभी जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट वाला कार्य संपादित कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने शो कर दिया। उसके अलावा कुछ हमारे जो पॉइंट्स इसमें ऑपरेशन साइकिल्स हैं वह मशीन साइकिल्स हैं वह हैं हॉल्ट, होल्ड एंड रीसेट। ये तीनों ही स्थितियां आगे जब हम डिस्कस करेंगे, यह स्थितियां ऐसी होती हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किसी भी डिवाइस से इस कंडीशन में संपर्क नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता है। तो इस स्थिति के अंदर हमारा आईओ ऑब्लिक एम बार जो हमने लिखा है जेड लिखा है, जेड का मतलब होता है ट्राई स्टेट में आना या हाई इम्पिडेंस स्टेट में आना। हाई इम्पिडेंस में आ गया इसका मतलब कि अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कार्य परिश्रम नहीं होगा, तो
तो हमारा आईओ ऑब्लिक एम बार है वो हमारा जीरो रहेगा स्टेटिक के अंदर, तो जेड 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 ट्राई स्टेट कंडीशन, मतलब ना तो कोई इनपुट पॉसिबल हो पाएगा ना ही कोई आउटपुट पॉसिबल हो पाएगा, ये इस चीज़ को इंडिकेट यहाँ पर हमारा करेगा। देन उसके बाद हमारी बात आती है यहाँ पर स्टेटस सिग्नल्स की, S1 S0 के बारे में। तो S1 S0 की वैल्यू जो हमारी होती है इन केस ऑफ हॉल्ट, इसकी वैल्यू रहती है 0 0, ये आप ध्यान में रखिएगा। स्टेटस सिग्नल जो हमारा होगा इस स्थिति में 0 0 रहेगा, और होल्ड और रीसेट के अंदर इसकी वैल्यू रहती है एक्स एक्स। एक्स एक्स से अभिप्राय होता है कि अब हमारा जो कंडीशन है वो अनस्पेसिफाइड है। अनस्पेसिफाइड मतलब कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इसमें यहाँ पे 0 1 है या 1 0 है या 1 1 है या क्या है। तो इस पे इन दो कंडीशंस में होल्ट या रीसेट के अंदर इसका मान कुछ भी संभव है, हमें उसका उस पे कोई भी फर्क हमारा इसके अंदर नहीं पड़ेगा, हमें कोई इसका वैल्यू मतलब इसमें नहीं आता है। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर, दोनों बोथ कंडीशंस के अंदर हमारा इनसे कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको अनस्पेसिफाइड कंडीशन बोलते हैं। और कंट्रोल सिग्नल्स की जो वैल्यू हमारी यहाँ पर रहेगी वो रहेगी RD का बार और WR का बार इक्वल टू Z, यानी कि हाई इम्पीडेंस स्टेट। कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर हमारा जो वैल्यू है वह क्या कंडीशन के अंदर है, हाई इम्पीडेंस स्टेट चाहिए, हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है तीनों कंडीशंस के अंदर हमारा, इन कंडीशन में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। सो इन दैट केस हम इसको हाई इम्पीडेंस में कर देंगे ताकि किसी भी प्रकार का सिग्नल एक्टिव या लो या हाई करने का ऑप्शन इसमें ना सके। और चूंकि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भी हम इस कंडीशन में नहीं कर सकते, हमने हॉल्ट कर दिया रोक दिया है, होल्ड कर दिया रोक लिया है या रीसेट कर रहे हैं, तो तीनों ही कंडीशन में हम किसी प्रकार के इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम इसको डिसेबल कर देते हैं, इसको हम 1 पिन दे देते हैं, तो ये डिसेबल हो जाएगी हमारी पिन। तो इस प्रकार से हमारा ये जो कंडीशन है वो यहाँ पर चलती है। तो ये हमारी कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल की टेबल है, इसको आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा, और इसको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, उसके हिसाब से इसको आप प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट हमारी जो बात आती है वह आती है पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की। पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हमारे जो हैं वो हमारे जो उसको इनपुट हम प्रदान कर रहे हैं उनसे संबंधित होता है। कौन कौन से होते हैं ये? पहला तो हमारा होता है VCC, जो हमारी पिन नंबर 40 थी वो VCC था हमारा, उस पर हमने +5 वोल्ट की पावर सप्लाई प्रदान करते हैं जो कि हमारी IC को ऑपरेट कराने के काम में आती है। इस सप्लाई के अकॉर्डिंग ही हमारा जो सप्लाई के अकॉर्डिंग ही हमारा माइक्रोप्रोसेसर काम करता है, प्लस सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर देते हैं। तो अगर प्लस यहाँ दे दी तो हमें ग्राउंड करना पड़ेगा, ग्राउंड करने के लिए हम जो हमारी 20 नंबर की पिन थी VSS वो हमारी ग्राउंड रेफरेंस के रूप में काम में ली जाती है। उसके उपरांत हमारा X1 और X2 जो दो पिन थी ये हमारी लगाई जाती हैं एक क्रिस्टल RC और या LC नेटवर्क यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं दो पिन के अंदर। द फ्रिक्वेंसी इज इंटरनली डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर टू ऑपरेट अ सिस्टम एट 3 MHz द क्रिस्टल शुड हैव ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 MHz। जो क्लॉक सिग्नल फ्रिक्वेंसीज हैं जनरेट करने के लिए X1 X2 पिन के ऊपर या तो हमको क्रिस्टल ऑक्सीडेटर लगाएंगे या हम कोई RC या LC नेटवर्क कनेक्ट करते हैं। और माइक्रोप्रोसेसर 8085 की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो भी फ्रिक्वेंसी होगी जो कनेक्ट करोगे आप उसको इंटरनली डिवाइड कर देगा बाय 2, 2 से डिवाइड कर देता है ऑटोमेटिकली। X1 X2 पिन पे जो भी आप लगाएंगे इसको इंटरनली डिवाइड बाय 2 कर देगा। अब चूंकि हमारा 8085 जो होता है वो ऑपरेट करता है 3 MHz के ऊपर, अतः हमें जो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यहाँ पे काम में लेना होगा वो हम जो लगाएंगे X1 X2 पे वो 6 MHz का हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ताकि वो जब हाफ हो तो ऑटोमेटिकली 3 MHz का हो जाएगा और हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म होने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देन एक जो पिन हमारी इसमें यहाँ आती है दैट इज योर क्लॉक आउट। क्लॉक आउटपुट जो पिन हमारी होती है यह है
आउटपुट किसी पर्टिकुलर डिवाइस को क्लॉक सिग्नल प्रदान करने के लिए काम में ली जाती है। दिस कैन सिग्नल कैन बी यूज्ड एज द सिस्टम क्लॉक फॉर द अदर डिवाइसेस, कि भाई हमें किसी दूसरी पेरिफेरल डिवाइस जो हमने साथ में कनेक्ट कर रखी है और उसको भी अपने को क्लॉक सिग्नल प्रदान करना है किसी साइकिल के लिए, तो वो पिन के लिए हमारी ये क्लॉक आउटपुट पिन जो है काम में ली जाती है। इस प्रकार से ये सिग्नल हमारा यहाँ पे काम करता है। उसके बाद हमारा आता है एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स। एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल जो हमारे होते हैं कि बाहर से जो कंपोनेंट हैं हमारी डिवाइसेस हैं उनके साथ में कोई सिग्नल हमारा जनरेट हो रहा है, वो एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स या इंटरप्ट इस कैटेगरी में हमारे आते हैं। इंटरप्ट को अगर आप हिंदी में देखें तो अवरोध इसका अभिप्राय आता है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हमारा जो ऊपर इसमें आ रहा है INTR, ये एक इनपुट टाइप का सिग्नल है और इसको हम बोलते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट। कि जब भी कोई डिवाइस हमारी है, दिस इज यूज्ड एज अ जनरल पर्पज रजिस्टर, इट इज सिमिलर टू द INT सिग्नल ऑफ द 8080A। 8080A के अंदर ये INT के नाम से था और यहाँ पे ये क्या है, जनरल पर्पज इंटरप्ट है कि आपका कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस यदि कोई इंटरप्ट जनरेट करना चाह रहा है तो वह आपको इस पॉइंट पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा। और जब आपको ये रिक्वेस्ट मिलती है तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, देखता है कि या उस कंडीशन में है वो कि वो उस इंटरप्ट को एक्नॉलेज कर सकता है, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ INTA का बार, और ये आउटपुट प्रकार का होता है। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं कि व्हेन माइक्रो प्रोसेसर इज रेडी टू एक्सेप्ट द इंटरप्ट, जब वो रेडी होता है उस स्थिति में ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर पोर्ट पे भेजता है। सपोज वो उस कंडीशन में रेडी नहीं है तो वो कोई आउटपुट सेंड नहीं करेगा, तो इसको लो रखेगा वो, तो हमारा जो भी पर्टिकुलर डिवाइस होगी वो कुछ देर के बाद वापस से क्या करेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड करता रहेगा आफ्टर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, हर कुछ निहित समय के बाद में उसको साइकिल्स के बाद में रिक्वेस्ट करता रहेगा। और जैसे ही हमारा माइक्रो प्रोसेसर उस इंटरप्ट को लेने के लिए रेडी हो जाएगा वो इसको आउटपुट पे सिग्नल देगा, एक्टिव लो हो जाएगा और ये उसको सिग्नल भेज देगा और उससे उसको मशीन को पता पड़ जाएगा जो भी पेरिफेरल डिवाइस हमारी जुड़ी हुई है उसे यह ज्ञात हो जाएगा कि नाउ माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उस इंटरप्ट को लेने के लिए रेडी है। फिर हमारे इंटरप्ट्स आते हैं RST 7.5, 6.5 एंड 5.5। ये इनपुट टाइप के इंटरप्ट्स होते हैं, मतलब ये इनपुट आएंगे वहाँ से बाहर से और इन इंटरप्ट्स को कैरेक्टराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। इनको एक प्रायोरिटी के आधार में उस क्रम में इसको लिखा गया है। दीज आर वेक्टर्ड इंटरप्ट दैट ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू ए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। जैसे ही ये इंटरप्ट आएंगे आपका प्रोग्राम का कंट्रोल किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे चला जाता है। वो मेमोरी लोकेशन कौन सी होती है, वो मेमोरी लोकेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7.5 या 6.5 या 5.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से और उसका जब हेक्साडेसिमल मेथड जो वैल्यू आएगी वो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को दर्शाएगी। उस मेमोरी लोकेशन पे हम क्या कर सकते हैं जाके और हमारा जो भी उसके वैल्यू है आपको वहाँ पे उसको हम काम में ले सकते हैं। जैसे 7.5 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 7.5 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो जो वैल्यू आएगी, 7.5 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो वो जो वैल्यू आएगी उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो एक मेमोरी लोकेशन होगी जो कि उस पर्टिकुलर मेमोरी में आपको वहाँ आपका प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा और उस जगह पर जो भी कार्य दिया गया होगा करने के लिए वह कार्य परफॉर्म करना होगा। ऐसे 6.5 एंड ऐसे ही 5.5, इनकी प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता या प्रायिकता कि किस क्रम में इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इनके जो प्रायोरिटी का ऑर्डर है वह है सबसे पहले 7.5, देन 6.5 और 5.5। सपोज आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपके पास में सबसे पहले केस आया एक तीनों ही एक साथ आ गए आपके पास में, तो उस स्थिति में आपका माइक्रो प्रोसेसर कौन से इंटरप्ट को पहले लेगा, वह 7.5 को सबसे पहले एक्नॉलेज करेगा, उसके बाद 6.5 लेगा और देन 5.5 लेगा। ये इनका क्रम रहता है, प्रायोरिटी इनकी इस प्रकार से रहती है। उसके बाद हमारा एक इंटरप्ट होता है दैट इज ट्रैप। ट्रैप जो हमारा होता है दिस इज़ अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर समझिए इनके साथ में ये ट्रैप वाला इंटरप्ट भी आ जाता है
तो उस स्थिति में इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, हमें इस इंटरप्ट को लेना ही होगा इन सबसे पहले। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात एक और आती है, वहाँ वर्ड हमारा एक आया नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखिएगा आप। मास्केबल इंटरप्ट एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं जो कि आपके ये हैं RST 7.5, 6.5, 5.5 या रिक्वेस्ट, कि यदि माइक्रो प्रोसेसर कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है प्रोग्राम के अंदर और उसको वो नहीं रोक सकता है, तो उस स्थिति के अंदर वो क्या करेगा, उस इंटरप्ट को रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज नहीं करेगा और अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहेगा। तो वो मास्केबल इंटरप्ट होते हैं कि आप किसी समय के लिए उनको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंटरप्ट ऐसे होते हैं जैसे कि ट्रैप हमारा इंटरप्ट है, ये नॉन मास्केबल है, कि यदि यह इंटरप्ट आपका आ गया तो आपको अपने प्रोसेस को रोककर और इस इंटरप्ट को पहले लेना पड़ेगा। इसके लिए इसको आप वेट कंडीशन में नहीं ले जा सकते हैं, आपको इसको पहले ही लेना पड़ेगा। तो ये आपका एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट हो गया। सपोज पावर सप्लाई चली गई, आपके पास में सीपीयू लगा हुआ पर बैकअप कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जितने भी प्रोग्राम हैं उनको तुरंत बंद करके और आपको सेव करके और सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। तो वो आपका एक नॉन मास्केबल कंडीशन हो गई आपकी। फिर आपका एक आता है होल्ड। होल्ड जो है एक इनपुट टाइप का है। दिस सिग्नल इंडिकेट दैट पेरिफेरल सच एज DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर इज रिक्वेस्टिंग द यूज ऑफ द एड्रेस एंड डेटा बसेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक कंपोनेंट है, डिवाइस है, जो पेरिफेरल डिवाइस है जो आपका सिलेबस में आगे डिटेल में है। उसको क्या होता है कि आपका एड्रेस और डेटा बस का कंट्रोल कई बार चाहिए होता है, तो एड्रेस और डेटा बस के कंट्रोल की रिक्वेस्ट वो भेजता है बाय यूजिंग दिस होल्ड, कि भाई आप अपना काम रोक दीजिए, मुझे कुछ देर के लिए आपकी एड्रेस और डेटा बस की रिक्वायरमेंट है ताकि मैं स्पीड से मेरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूँ। तो ये होल्ड का काम होता है। देन HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट, कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो आउटपुट पे होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करेगा। एक आपका यहाँ पे होता है रेडी, ये भी इनपुट टाइप का होता है। दिस सिग्नल इज यूज टू डिले द माइक्रो प्रोसेसर रीड और राइट साइकिल अंटिल अ स्लो रिस्पॉन्डिंग पेरीफेरल इज रेडी टू सेंड और एक्सेप्ट डेटा। वेन दिस क्लॉक गोज लो द माइक्रो प्रोसेसर वेट फॉर एन इंटीग्रल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स एंड अंटिल इट इज गो हाई। क्या अभिप्राय है इसका, कि देखिए कई बार क्या होता है, जो पेरिफेरल डिवाइस आपने इसके साथ में कनेक्ट करी है वो उसकी स्पीड और आपके माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड में डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है आपके पेरिफेरल डिवाइस जो है वो स्लो काम करे। कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है वो कुछ नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स या क्लॉक साइकिल्स में परफॉर्म होता है, तो उस साइकिल्स में फिक्स मेथड होता है कि इतने साइकिल में रीड होना है, इतने में राइट होना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेरिफेरल डिवाइस जो होती है वो तुलनात्मक रूप से स्लो होती है, तो वह उस ऑपरेशन को उतने समय में परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों डिवाइस में, माइक्रो प्रोसेसर में और उस डिवाइस के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए ये रेडी जो पिन होती है इसको काम में लिया जाता है, कि जैसे अगर आपकी पेरिफेरल स्लो है तो इसको लो कर दिया जाता है ताकि माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा है वो वेटिंग स्टेट में आ जाता है। और वो कितनी देर के लिए रहेगा, वो इंटीग्रल नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए रहेगा, क्लॉक साइकिल्स के लिए 1, 2, 3, 4, 5। और जैसे ही वो साइकिल के बाद चेक करेगा पेरिफेरल की स्थिति कि वो पेरिफेरल डिवाइस या रीड या राइट के लिए रेडी हो गई है, तो वह पुनः इसको जो है हाई कर देगा। तो हाई कर देगा मतलब रेडी है वापस से, तो वापस से कम्युनिकेशन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से यह पिन हमारी काम करती है। उसके अलावा एक आता है हमारा रीसेट इन का बार। ये सिग्नल जो होता है, वैन द सिग्नल ऑन दिस पिन गोज लो, एक्टिव लो है ये, द प्रोग्राम काउंटर इज सेट टू जीरो, द बसेज आर ट्राई स्टेटेड एंड द माइक्रो प्रोसेसर इज रीसेट। कि माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा है वो रीसेट हो जाएगा, मतलब कोई भी प्रोग्राम था वो बंद हो जाएगा, रीसेट को जीरो कर दिया गया है प्रोग्राम काउंटर में, कोई प्रोग्राम की वैल्यू नहीं होगी। उसके अलावा बसेज जो हमारी वो ट्राई स्टेट में आ गई, मतलब कोई इनपुट आउटपुट या एड्रेस का कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा बिल्कुल रीसेट कंडीशन में आ गया, प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, उसमें कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। देन एक आता है हमारा यहाँ पे रीसेट आउट एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। यह सिग्नल जो हमारा होता है यह इंडिकेट करता है दैट माइक्रो प्रोसेसर इज बीइंग रीसेट, द सिग्नल कैन बी यूज टू रीसेट अदर डिवाइसेज। जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो जाएगा तो हमारा रीसेट आउट सिग्नल जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि हमारे पेरिफेरल को पता पड़ जाएगा कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो रीसेट हो चुका है और
कई बार इस सिग्नल की सहायता से हम दूसरी जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़ी हुई होती हैं, अदर डिवाइसेस लगी हुई रहती हैं, उनको भी हम रीसेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। तो ये हमारे कुछ एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स हैं। उसके बाद हमारा लास्ट इसमें जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है सीरियल आईओ पोर्ट्स का। हमारी क्या है कि कुछ डिवाइसेस जो होती हैं कम्युनिकेशन की, वो हमारा पैरेलल डेटा एक्सेप्ट करती हैं, और कुछ जो डिवाइसेस हमारी हैं वो सीरियली डेटा लेती हैं, एट ए टाइम सिंगल बिट का कम्युनिकेशन करती हैं। जैसे हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर की जो 8 बिट की डेटा बस है, वो पैरेलली एट ए टाइम 8 बिट का कम्युनिकेशन करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़ी हुई होती हैं जो कि सीरियली डेटा एक्सेप्ट करती हैं, एक बार में एक ही बिट को एक्सेप्ट करती हैं। तो उस स्थिति के अंदर हमें जो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा वह सीरियल पोर्ट्स की हेल्प से करना होता है। वो हमारा सीरियल आईओ पोर्ट्स हमारे उसमें काम में आते हैं। उसके लिए जो हमारा 8085 होता है, उसमें दो पोर्ट्स होते हैं, टू सिग्नल्स या टू पिन्स हमारी होती हैं टू परफॉर्म या इम्प्लीमेंट सीरियल ट्रांसमिशन। एक तो होती है हमारी SID सीरियल इनपुट डेटा, और एक हमारी होती है SOD सीरियल आउटपुट डेटा। इन सीरियल ट्रांसमिशन डेटा बिट्स आर सेंड ओवर सिंगल लाइन 1 बिट एट अ टाइम, सच एज द ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन्स। कि जिस प्रकार से टेलीफोन लाइन्स पे एक बार में एक ही बिट ट्रांसमिट की जाती है, उसी भांति जो डिवाइसेस हमारा सीरियल कम्युनिकेशन करती हैं उसको हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, और एक बार में एक ही बिट जो है वो एट ए टाइम ट्रांसफ़र की जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ये सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट काम करता है। तो हमने सारे जो हमारे पिंस थी उनका अलग अलग सिग्नल्स को 6 भागों में विभक्त करके और हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये पार्ट्स जब भी आप कोई पिन डायग्राम या पिन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर प्रश्न आता है या ब्लॉक डायग्राम पे प्रश्न आता है, उस पे आपको वो बना के और इनको इसी प्रकार से क्लासिफाई करके वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना होगा एग्ज़ाम के अंदर, और ध्यान में रखना होगा। इसी के आधार पे इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी क्रम में बनते हैं। स्टेटस सिग्नल पे बन जाएंगे, कंट्रोल सिग्नल के ऊपर बन जाएंगे, पोर्ट्स के बारे में बन जाएंगे कि सीरियल कम्युनिकेशन के लिए कौन से पोर्ट काम आते हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी काम आती है, कितनी पावर सप्लाई पे काम करता है, +5 वोल्ट पे काम करता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 MHz चल रही है, जो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा रहे हैं कितने मेगाहर्ट्ज़ का लगाएंगे, 6 MHz का लगाएंगे। तो इस तरीके के स्मॉल क्वेश्चंस भी इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो बनते हैं, इनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। थैंक यू।